दोस्तों आप लोगों ने MRF टायर तो जरूर यूज किया होगा क्योंकि MRF टायर हमारे इंडिया का नंबर वन कंपनी है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि 1946 से पहले MRF के फाउंडर अमेरिका की सड़कों पर गुब्बारे बेचा करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका की सड़कों पर 6 साल तक गुब्बारे बेचते रहे और इसी दौरान उन्होंने देखा कि अमेरिका की एक कंपनी पूरे इंडिया में रबड़ सप्लाई करती है और इसीलिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स को जोड़कर रबड़ के टायर बनाना शुरू कर दिए और MRF इंडियन कंपनी होने की वजह से इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। इसी वजह से MRF के टायर सस्ते थे और देखते देखते MRF इंडिया के मार्केट में छा गया। और साथ ही उसने बहुत ही अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई जिसमें उसने सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों से अपने एड्स करवाए और इन्हीं सब वजहों से आज 25% मार्केट शेयर MRF का है और मार्केट कैप 28,000 करोड़। MRF की कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से आज ये नंबर वन कंपनी है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर कोई जिंदा इंसान बर्फ में जम जाए तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। पर अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर आप यही कहेंगे कि ये 8वां अजूबा है। दोस्तों ये है अलास्कन बुड फ्रॉग। अलास्का के जंगलों में जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो पानी बर्फ में बदलने लगता है और उस समय ये मेंढक भी बर्फ में बदल कर जम जाता है, यहाँ तक कि इसका खून भी बर्फ में बदल जाता है। मजे की बात तो ये है कि उसके बाद भी ये जिंदा रहता है। दरअसल ये बर्फ में बदलने से पहले ये अपने शरीर में काफी मात्रा में यूरिन जमा कर लेता है और बाहर नहीं निकालता और इसका लीवर ग्लूकोज बनाने लगता है जिससे शरीर में मौजूद यूरिन और ग्लूकोज दोनों मिलकर कोशिकाओं को खत्म होने से बचाते हैं। साल के 7 महीने तक इसके फेफड़े और दिल की धड़कन बंद रहती है और 65% तक इसका शरीर बर्फ में बदल जाता है। लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो उस समय उसका शरीर भी पिघल कर जिंदा हो जाता है। दोस्तों क्या आप इससे पहले इस अजीबोगरीब मेंढक के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं।